स्पाइन में नस के दबने से या ऐसे नस कहीं भी शरीर में दबता है तो ज़्यादातर सर्जरी माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप से ही होता है। आजकल मिनिमल इन्वेसिव धीरे धीरे ज़्यादातर वही हो रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है और उसकी बीमारी कैसी है। कभी कभी यदि बीमारी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, हड्डियों में ज़्यादा परेशानी होती है, तो मिनिमल इन्वेसिव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो एनीवे जो भी सर्जन होते हैं वो माइक्रोस्कोप से सर्जरी करना जानते ही जानते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से या कोई मैग्निफिकेशन तो जरूर यूज़ करते हैं जिससे दिखने में आसानी होती है, तभी ढंग से नर्व्स को डिकम्प्रेस कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है और जो भी सर्जन है वो क्या डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम आसानी से। एम सर्जरी का होना चाहिए कि नर्व्स अच्छी तरह से डिकम्प्रेस हो जाए, उसका प्रेशर हट जाए, दबाव हट जाए और पेशेंट में रिकवरी होना शुरू हो। हम रखें आपका ख्याल।